नमस्कार, मैं डीडीएस नाचना आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि परफेक्ट कैरी का अचार आप कैसे घर पे डाल सकते हैं। कैरी का अभी सीजन है तो आपको बताते हैं कि आप किस तरह से परफेक्ट कैरी का अचार घर में बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो कैरी का अचार बनाने के लिए आपको कच्ची कैरी लेके आनी है बाज़ार से, और कैरी का अचार अगर आपको जल्दी तैयार करना है तो उसका एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ। कैरी को आपको छोटे छोटे पीस में काटना है, और ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है आप गुटली का होता है, यहाँ लगा हुआ होता है, इसको आपको निकालना है। ये निकालोगे तो दोनों साइड से जल्दी से अचार बन के तैयार होगा, वरना एक हिस्सा इसमें रहने की वजह से ये तेल भी ज़्यादा चूस लेता है और आसानी से पच भी नहीं पाता है। तो ये गुटली का जो हिस्सा है अचार का, वो आपको निकालना है। उसके बाद में आपको इसके अंदर 2 से 3 चम्मच नमक ऐड करना है ताकि ये जल्दी तैयार हो। से नमक ऐड कर लेना है। और उसके बाद में आपको इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी है। हल्दी इसलिए मिलाते हैं कि हल्दी एंटीबायोटिक होती है, इसमें फंगस पैदा नहीं होने देती है अचार में। अच्छी तरह से ये आपको हल्दी डाल देनी है 1 चम्मच, और आराम से इसको आपको मिला के मिक्स करना है इसके अंदर, ताकि ये सारी कैरियों के ऊपर आसानी से लग जाए। और इसको आपको 2 दिन के लिए छोड़ना है, इसमें पहले अचार का मसाला नहीं डालना है। 3 घंटे हमने इनको हल्दी और नमक लगा के छोड़ा था, अभी ये बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर आपको मसाला डालना है, तो मसाला आप घर पे भी बना सकते हैं। मेथी है, अजवाइन है और जीरा है, इसको फ्राई करके प्रेस करके, काला जीरा आता है वो भी, काला जीरा जो आता है जिसको किराइचा बोलते हैं, वो थोड़ा भून के इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी मैं बेस्ट ऑप्शन यही बताऊंगा, बाज़ार में इस तरह के मसाले के जो पैकेट है तैयार मिलने शुरू हो गए हैं, वो लाइए। इसमें सब कुछ मिक्स किया हुआ है, कुछ भी आपको मिक्स नहीं करना है। मेथी एक ऑप्शनल है, आप मेथी अगर एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं तो मेथी को भून के आप एक्स्ट्रा इस अचार में डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें ये मसाला ऐड कर देते हैं हल्का हल्का। ये मसाला तैयार और रेडी बाजार में आपको मिल जाएगा, इसमें सब कुछ है, देख सकते हैं आप। ये इसके साथ मिक्स करना है आपको। ये 1 किलो कैरी है, मैं बता दूं मैंने कटिंग की हुई है। ये इसकी गुटलियां निकाल के मैंने कल रखी थी। बिल्कुल जल्दी अचार ये तैयार हो जाएगा, और ये अचार का मसाला है जो बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। इस तरह से ये थोड़ा मसाला आप इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर दीजिए। ये 250 ग्राम का एक पैकेट है, और जितना मसाला आप अपने स्वाद के अनुसार चाहते हैं इसमें मिक्स कर लीजिए। फिलहाल मैं इसमें इतना करूँगा। तो ये मैंने पूरे 250 ग्राम का एक पैकेट इसके अंदर मिक्स कर दिया है, और आपको इसको अच्छी तरह से मिलाना है। और ये अच्छी तरह से मिला के, तो ये देख सकते हैं आप, हमने जो अचार में मसाला डाला था वो अच्छी तरह इनके ऊपर चिपक चुका है। अब इसको आपको किसी साफ बर्तन में, जिसमें नमी ना हो, सूखा बर्तन लेके उसके अंदर स्टोर करके रखना है। तो हम इसको स्टोर कर लेते हैं साफ बर्तन के अंदर। जरा भी इसमें मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब जो ये हमने कैरी में मसाला मिक्स किया था, इसको इस तरह के किसी साफ प्लास्टिक के बर्तन में आप डालना है आपको इसको। सरसों का तेल आपको गरम चढ़ा देना है अचार के लिए, उसमें आपको 1 चम्मच जितनी हींग ऐड कर देनी है।
अच्छी तरह से इसको गर्म होने देना है, क्योंकि जब ये अच्छा गर्म होगा तो जो तेल की बदबू जो अचार के अंदर कई बार आपने देखा हो कि आती होगी, वो नहीं आएगी इसकी वजह से। तो तेल को हल्का गुनगुना करने के लिए आपको ये ऑप्शन है आपके पास, पानी डालिए और तेल थोड़ा सा इसमें निकालिए, पंखे करके रखिए, थोड़ा गुनगुना हो जाएगा तेल, थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा, वरना ये 3-4 घंटे लग जाएगा इसको ठंडा होने में। तो ये तरीका है तेल को जल्दी ठंडा करने का। ये हमने इसमें अचार सारा निकाल लिया है प्लास्टिक के एक बर्तन में। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, सरसों का तेल जो हमने गर्म करके रखा था ठंडा हो चुका है, वो इसमें हमको ऐड करना है हल्का सा। एक बार हमको ज़्यादा तेल इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि बाकी का जो तेल है वो हमें कल डालना है इसके अंदर। अभी हम थोड़ा तेल इसलिए डाल रहे हैं इसमें ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो इस तरह से आपको सारा तेल इसमें निकाल देना है और मिक्स कर देना अच्छी तरह से। अब इसको आपको कम से कम 1 हफ्ते के लिए छोड़ना है और ये आपका अचार बनके आलीशान रेडी तैयार हो जाएगा। कैरी सारी जो है इसमें अपना पूरा रस छोड़ देगी, रसी जाएगी पूरी नमी में, पूरी एकदम तैयार हो जाएगी। तो ये हमने इसमें तेल मिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं अचार की रंगत इसमें दिखाई अभी दे रही है। अभी इसको आपको कम से कम 1 हफ्ते के लिए छोड़ना है और ध्यान रखिए इसके ऊपर प्लास्टिक का ढक्कन नहीं लगाना आपको, आपको लेना इस तरह का एक कपड़ा, उस कपड़े की सहायता से आप इसको ऐसे बंद करके यहाँ से आपको इस तरह से रखना है 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते में आपका अचार बन के तैयार हो जाएगा और फिर आप इसको उपयोग में ले सकते हैं।